हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी क्लास में। मेरा नाम है जीशान। दिखा रहा हूँ आपको जो अपडेट निकल कर आ रही है कि ग्रामीण विकास विभाग बिहार की तरफ से एक वैकेंसी आई है, जिसमें कि लगभग 279 पोस्ट हैं, जिसमें कि बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। ऑफिसर लेवल के पोस्ट हैं, अकाउंट लेवल के पोस्ट हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं। 30 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं इसमें। इसका लिंक यहाँ पर सब दिया गया है और ये सारा लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्ट पा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन का लिंक, पूरा डिटेल्स का लिंक। चलिए हम दिखाते हैं आपको डिटेल्स में कि कितने वैकेंसी है, क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट मांगा गया है। चलिए आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है ये निकाला गया है बिहार की तरफ से। इसमें क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत लंबा चौड़ा जो एडवर्टीजमेंट है दिखा रहा हूँ आपको सीरियली। ये आपको जो पहला है पोस्ट वो है स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर मनरेगा के लिए निकाला गया, जिसमें कि 3 पोस्ट हैं। इसमें कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो MBA, PGDM, MSW, पोस्ट ग्रेजुएट, ये बहुत सारे चीज़ हैं इसमें मांगा गया है। इसमें कि इसका जो क्या क्या आपका काम है वो पूरा दिया गया है। इसमें कि सैलरी आपका 70,000 है, पूरा 70,000 सैलरी दिखाया गया है इसमें, जो कि ज़बरदस्त सैलरी है। इतना सैलरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पर आपको स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर सेम पोस्ट है, लेकिन वो है PMAY, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें भी सेम आपका है क्वालिफिकेशन, इसका यहाँ दिया गया है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि आप देख सकते हैं। PDF लिंक में अपने वीडियो को डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख के सब कुछ पढ़ सकते हैं। इसका भी सैलरी 70,000 है। और जो 3 नंबर पर है वो है हेड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग HR एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट, उसका भी सेम सब कुछ है, सैलरी सब कुछ सेम है, 70,000 है। आगे बढ़ते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, एक एक करके बताना मुश्किल है। मैं मेन मेन जो पोस्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं, PDF लिंक में दे दूँगा। उसके बाद है आगे फाइनेंस मैनेजर, उसके लिए आपको CA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, MBA फाइनेंस होना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसका जो दिया गया जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका सैलरी यहाँ पर दिखा रहा है 60,000 है। और उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है सीनियर ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर, उसमें भी सेम चीज़ मांगा गया है, उसका भी सैलरी 60,000 है। उस तरह से यहाँ पर प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, उसके बाद यहाँ दिखा रहा है प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, इसका भी सैलरी 60,000 है। HR कम फैसिलिटी मैनेजर है, इसका भी 60,000 है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखिए, यहाँ दिखा रहा है 8 नंबर पर, यहाँ पर दिखा रहा है इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन लर्निंग एंड रिसर्च मैनेजर, उसका भी एक पोस्ट है, इसका सैलरी 60,000 है। आगे बढ़ते हैं, ये देखा IEC मैनेजर एक पोस्ट है, इसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और इसका सैलरी 40,000 है। दोस्तों यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, उतना बताना मुश्किल है, और बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, कि आप लोगों को फिर पसंद नहीं होता है वो वीडियो। देखिए दिखा रहा है ओम बर्ड्समैन कोऑर्डिनेटर, जो कि 40,000 सैलरी है, एक पोस्ट है उसके लिए। आगे में बहुत सारे पोस्ट देखिए, ग्रीवांस रिडेशनल कोऑर्डिनेटर है, इसका एक पोस्ट है, 40,000 है। और टीम मेंबर मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड लर्निंग, 30,000 सैलरी है, 3 सीट है इसमें। ऑडिट ऑफिसर है, 4 पोस्ट है, 30,000 सैलरी है। अकाउंट ऑफिसर, इसमें 5 सीट है, सैलरी 25,000 है। IT मैनेजर, इसमें 1 सीट है। MCA BTech जो भी है इसमें मांगा गया है, सैलरी 25,000 है। MIS एक्सपर्ट, इसमें MCA BTech मांगा गया है, सैलरी 25,000 है, 1 सीट है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, इसमें 9 पोस्ट हैं, सैलरी 25,000 है। इसमें MBA PGDM ये मांगा गया है। और स्टेट MIS टीम मैनेजर 18 नंबर पर है, इसमें 20,000 सैलरी है, इसमें 15 सीट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है MCA BTech BE IT से होना चाहिए, ये मांगा गया है। वह देखते हैं आगे अकाउंटेंट के लिए, दोस्तों 3 सीट है, जिसमें कि होना चाहिए ग्रेजुएट आपको कॉमर्स में, और 2 साल का होना चाहिए साथ में एक्सपीरियंस, ये 20,000 सैलरी है इसमें। असिस्टेंट, इसमें 16 सीट है, जो कि सिंपल ग्रेजुएट हैं आप साथ में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो कोई भी इसे भर सकता है, इसका सैलरी 15,000 है सिंपल ग्रेजुएट के लिए, बहुत ही अच्छा सीट ये है असिस्टेंट के लिए, जरूर भरिएगा आप लोग। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट, उसकी में 8 सीट है, सैलरी 15,000 है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर DPC जो बोलते हैं, उसमें 38 सीट है, यानी 38 जो जिला है बिहार में सबके लिए एक एक सीट है, उसमें 50,000 सैलरी है। इसमें MBA PGDM MSW पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारे हैं डिग्री, वो देख लीजिएगा आप, इसके यहाँ पर देखा गया वर्क डिस्क्रिप्शन। और सैलरी 50,000 है दोस्तों, इसमें बहुत सारे पोस्ट है, 38 सीट हैं, ज़बरदस्त सीट दोस्तों, इसमें जोर भरिएगा। इसमें देखिए दिखा रहा है आगे डिस्ट्रिक्ट ऑडिट मैनेजर, इसमें सैलरी है
35,000 इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपको मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस कॉमर्स सीए वगैरह और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों एक्सपीरियंस जो है लगभग सब में मांगा गया है, आप देख लीजिए कि अपने हिसाब से कि क्या आपका उसमें फुलफिल करता है। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस मैनेजर, उसमें सैलरी है 35,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आगे कौन सा पोस्ट है। आगे है डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट ऑडिट मैनेजर, इसमें भी सैलरी है 25,000। इसमें जी मांगा गया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एमबीए वगैरह मांगा गया, सीए मांगा गया है। उसके बाद 26 नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, इसमें की सैलरी है 25,000। इसमें भी 3 सीट है। और उसके बाद 27 नंबर पे है ऑडिट असिस्टेंट, इसमें भी सैलरी 15,000 है। और इसमें मांगा गया है बीकॉम विथ एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, अगर आप बीकॉम है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस लगाते हैं तो आपको इसमें सैलरी मिलेगी 15,000। और सीट 18 है, अच्छा सीट है इसमें, इसमें आप भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। उसके बाद है आपको अकाउंट असिस्टेंट, उसमें की बीकॉम होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेली आना चाहिए, और आप मनरेगा में काम किए तो आपको छूट मिलेगा और इसमें सैलरी 15,000 है। अब देखते हैं 29 नंबर पे, ये है डिस्ट्रिक्ट एमआईएस टीम मेंबर एमजी नरेगा के लिए, इसमें एमसीए बीटेक बीईआईटी सीएस विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें सैलरी भी 20,000 है। और लास्ट में जो है दोस्तों 30 नंबर पर, वो है डिस्ट्रिक्ट एमआईएस टीम मेंबर पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इसमें कि बीसीए बीटेक बीईआईटी से होना चाहिए आपको डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें सैलरी 20,000 है। ये रहा आपका वर्क डिस्क्रिप्शन, क्या काम करना है आपको ये देख लीजिएगा आप, ये पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और ये दोस्तों 30 पोस्ट है, 30 पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर सबको दिखा रहा है कि यहाँ पर जितने भी सब मिला के जो है वो है टोटल 279 पोस्ट हैं। ये सारा आप जाना चाहते हैं हिंदी में अच्छे से तो मेरा वेबसाइट है, वहाँ मैंने इसको डाल दिया है, यहाँ से आप पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं पूरा कैटेगरी वाइज। ये देखिए यहाँ पर सारा कुछ मैंने यहाँ पर डाल दिया पोस्ट वाइज सामने में। ये है आपका पोस्ट का नाम, ये है आपका कितना पोस्ट है टोटल, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कब तक फॉर्म भरना है, क्या एज है, कैसे कैसे भरना है। और यहाँ से आपको सारा लिंक मिल जाएगा फुल डिटेल्स का, यहाँ से आपको कैटेगरी वाइज जी दोस्तों देखा मैं आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़, देखिए ये जो है आप कैटेगरी वाइज कि अनरिजर्व के लिए, ईबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, बीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, टोटल यानी सब कुछ सैलरी वगैरह एक साथ में आप देख सकते हैं। ये लिंक मैं बहुत मुश्किल से खोजा हूँ और आपको मैं अपने वेबसाइट में ये लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप आराम से पा सकते हैं लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखिए ये आप कैटेगरी वाइज आराम से देख सकते हैं, कहाँ से मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, देखिए दिखा रहा वैकेंसी डिटेल्स कैटेगरी वाइज, और आप यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट आप ऑनलाइन आवेदन में पहुँच जाइएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। नीचे आकर देखिए दिखा रहा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों ये रहा पूरा डिटेल्स। चलिए आप देखते हैं कि इसका क्या क्या एज लिमिट है, क्या मिनिमम है, क्या मैक्सिमम एज है, इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन है, चलिए आप जानते हैं इसमें डिटेल से। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि इसमें जो है एज लिमिट 1/4/18 जो है विल बी कंसीडर्ड एज बेंचमार्क डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज एंड सिमिलरिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 31/8/18 विल बी कंसीडर्ड बेंचमार्क डेट, यानी इसमें जो है 1/4/18 जो वो रखा गया है आपको कट ऑफ डेट, और इसका जो मिनिमम एज है वो 21 साल है, और जो मैक्सिमम है वो जो आपको जो लेवल्स है L2, L3 और L4 उसके लिए 50 साल है मैक्सिमम एज, और जो लेवल L5, L6 और L7 के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है, और आप अगर अनरिजर्व है उसके लिए 3 साल छूट मिलेगा, BC और EBC1 के लिए आपको 3 साल छूट है, SC ST के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 5 साल छूट है, और जो PH है मेल फीमेल दोनों के लिए 10 साल का छूट है। अब चलिए आगे देखते हैं, ये दोस्तों ये जो रिजर्वेशन जो मिलेगा आपको किसे मिलेगा, द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ BRDS विल कॉम्प्लाई विथ रिजर्वेशन रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार एज एप्लीकेबल, ये जो है गवर्नमेंट का जो बिहार का जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से मिलेगा, और जो उसका जो रोस्टर क्लियर है उसके हिसाब से मिलेगा, और जो रिजर्वेशन का जो लेटर नंबर या दिया आपका सब कुछ वो आपको देखना पड़ेगा, उसके अनुसार छूट मिलेगा आपको। और यहाँ दिखा रहा है आपको द अप्लीकेंट क्लेमिंग रिजर्वेशन बेनिफिट शेल फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा कैसे होना चाहिए, DM के द्वारा साइन होना चाहिए या SDO के द्वारा या CO
के द्वारा होना चाहिए, जहाँ पे आप रह रहे हैं परमानेंट एड्रेस पर होना चाहिए। और रिजर्वेशन जो बेनिफिट मिलेगा उसको मिलेगा जो कि डोमिसाइल ऑफ बिहार, जो कि बिहार का निवासी है। अब जो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर मेन मेन जो पॉइंट है दिखा रहे हैं यहाँ पर नोट्स में क्या क्या। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल बी एक्सेप्ट, सिर्फ जो है ऑनलाइन फॉर्मेट ही एक्सेप्ट होगा, उसके अलावा दूसरा कोई मोड एप्लीकेशन का वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और यहाँ जो लिंक है वेबसाइट का यहाँ पर है, और मैं अपने वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने ये देख रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन लिंक दिया गया है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 22 अक्टूबर को 11:30 बजे रात तक, यानी मंडे दिन पड़ेगा, उस दिन तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके बाद ये डिजेबल हो जाएगा, यानी काम नहीं करेगा, उससे पहले आपको ऑनलाइन करना है। यहाँ पर दिखा रहा है कि कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, आप एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम सेम सिटिंग में हुआ तो आपको कोई भी एक एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर डेटा इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय एप्लीकेंट्स इन दियर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, आप जो भी डालते हैं सर्टिफिकेट वगैरह वो जो वेरीफाई होगा वो चेक किया जाएगा, अगर उसमें से आपको कुछ नहीं दिखा पाते हैं तो आपको वो कैंसिल, आपको जो कैंसिल कर देगा जो आपको सिलेक्शन है, इसीलिए वही डालिए जो आपके पास है। मैं ये दिखा रहा है मेयर फुलफिलिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय इट सेल्फ वुड बी इंटायर एन एप्लीकेंट फॉर बीइंग सिलेक्टेड और इन्वाइटेड फॉर फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस, ओनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इन्वाइटेड फॉर फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको भी शॉर्टलिस्ट करेगा आपका ये समिति उसी को आपको सिलेक्शन में, जो जिसको भी सिलेक्ट करेगा आपको ये समिति उसी को बुलाया जाएगा आगे प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन अंडर दिस रिक्वायरमेंट विल अप्लाई मेथड टूल्स लाइक, यानी जो इसका जो सिलेक्शन का जो मेथड होगा वो क्या क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, केस स्टडी होगा, प्रेजेंटेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और इंटरव्यू होगा। द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स रिसीव्ड, ये जो भी आपका लिस्ट आएगा, लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, शेड्यूल, वेन्यू ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, कब एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, सारा कुछ जो है वो आपको अपडेट मिलेगा किस पे, ये जो वेबसाइट है www.rdd.bih.nic.in, या जो ये दूसरा वेबसाइट है sirs.co.in, ये दोनों लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, और आप टाइम टू टाइम इसे चेक करते रहिएगा ताकि आपको उसका अपडेट मिल सके। ये रहा दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ दिखा मेन चीज़ है लिस्ट ऑफ वेट लिस्ट, यदि आपका सिलेक्शन होता है और वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आता है तो उसका जो आपको 2 साल तक आपको उसका छूट मिलेगा, यानी 2 साल के अंदर अगर कोई भी वैकेंसी खाली होती है तो आपको बुलाया जा सकता है 2 साल के अंदर, अगर 2 साल के अगर बीत गया आपको वेटिंग लिस्ट निकलने के बाद तो वो ऑटोमेटिक वो डिजेबल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। दोस्तों ये था आपका जो ग्रामीण विकास विभाग बिहार की तरफ से जो निकला है वैकेंसी उसकी पूरी डिटेल्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको इस तरह के कोई भी अपडेट मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।